हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज फिर लेकर आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ACIO ग्रेड 2 लेवल की एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल वे में आपको डिस्कशन करने वाले हैं। इसके लिए कितना सीट आया है, कैटेगरी वाइज क्या सीट रखा गया है, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम की पैटर्न को भी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कितना पासिंग मार्क्स मिनिमम चाहिए होगा। तो अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखना। तो चलिए, अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अंडर ACIO की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। पोस्ट नेम जैसा आपको बताया, ACIO ग्रेड 2 लेवल की एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे ACIO होता क्या है? इसका मतलब होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, मतलब ऑफिसर रैंक की जॉब है, अच्छी खासी पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जैसा आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इसका आपको जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह कराई जाएगी। टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको अच्छी खासी है, 995 सीट्स के लिए ये आपकी फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी वाइज सीट्स को क्या आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल के लिए रखा गया है 377 सीट्स, EWS के लिए 129, OBC के लिए 222, SC के लिए 134 एंड ST के लिए 133 सीट्स यहाँ पर रखी गई है। आइए बता देती हूँ कि फॉर्म कब से कब तक आपका अप्लाई होगा। योर फॉर्म विल बी स्टार्ट फ्रॉम 25 ऑफ नवंबर एंड लास्ट आपका होगा 15 दिसंबर 2023। जैसे ही 25 से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो, आप अप्लाई कर देना। 15 का वेट मत करना फ्रेंड्स, अदरवाइज बाद में जब आपको सर्वर इशू फेस करना होगा तो उससे अच्छा है कि समय रहते ही फॉर्म को आप अप्लाई कर दो। चलिए बता दूं, फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लगने वाला है। जनरल, OBC एंड EWS से कितना फी लिया जाएगा, 450 रुपीज। अदर कैंडिडेट जैसे कि SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, उनसे बस यहाँ पर 100 रुपीज फॉर्म की फी ली जाएगी। आगे बता दूँ आपको कि एज लिमिट क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूँ कि एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 15 दिसंबर 2023, मतलब 15 दिसंबर 2023 के अनुसार मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी एज होना ही चाहिए। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि रिलैक्सेशन क्या दिया जाएगा। ऑब्वियसली रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को मिलेगी 3 ईयर्स के लिए एंड SC ST को मिलती है 5 ईयर्स की। अदर कैटेगरी का जो भी है वो आप नोटिफिकेशन में देख लेना। क्वालिफिकेशन क्वाइट सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें लेंदी कुछ नहीं है कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए। सिंपली आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, डजंट मैटर कि आपका आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस है, आप ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका यहाँ पर है फ्रेंड्स, 3 मेजर स्टेज पर डिपेंडेबल है। एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ऑनलाइन CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। उस ऑनलाइन एग्जाम को जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब जो लिखित परीक्षा होती है वो यहाँ पर लिया जाएगा। देन होगा आपका इंटरव्यू। तो आइए अब आगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल वे में समझ लेते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको ऑनलाइन CBT मतलब Tier 1 की जो एग्ज़ाम होगी उसका पैटर्न मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ। 100 क्वेश्चंस आपको रहेंगे पेपर में 100 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चंस 1 मार्क होने हैं। टाइम विल बी 1 आवर, 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। रही बात की निगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, तो निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 यानी 0.25 की आपको निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें, करेंट अफेयर्स की 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, मतलब कि आपका ये तो हो गया करेंट अफेयर्स। उसके बाद सामान्य अध्ययन, थर्ड सब्जेक्ट आपकी क्या होती है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड, मतलब रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, फिफ्थ एंड लास्ट सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, इसके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए रहेंगे।
तो जब आप टीयर वन का एग्जाम देते हो तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहता है, तो मिनिमम एक क्वालिफाइंग मार्क्स बताया जाता है। तो चलिए मैं आपको पहले इसका बता देती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैटेगरी वाइज जनरल को 100 में से मिनिमम 35 मार्क्स लाना होता है, ओबीसी को मिनिमम 34, एससीएसटी को मिनिमम 33 एंड ईडब्ल्यूएस को 35 मार्क्स लाना होता है। बट ये पासिंग मार्क्स जो दर्शाया जाता है आपको उसको फोकस नहीं करना है, आपको जाना है क्या देखना है, प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई थी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर की सेट लगाओ, फिर वहां पे देखो आपकी क्या स्कोरिंग आ रही है, मॉडल पेपर्स बनाओ, और कट ऑफ जो था ना लास्ट ईयर का उससे कहीं अगर आप 5 से 10 नंबर ज्यादा लाते हो तभी जाके आपका इस ईयर में सिलेक्शन होगा। तो पासिंग मार्क्स बस कहने की चीज होती है, तो मैंने एक मोटा मोटी तौर पर आपको बता दिया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर का क्या सिलेबस यानी एग्जाम पैटर्न रहेगा। ये जो डिस्क्रिप्टिव आपका लिखित परीक्षा होगा इसमें आपको 50 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चंस, टाइम मिलता है 1 आवर का। मतलब यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई मार्क्स आपका कट नहीं किया जाएगा। और मतलब बात करें कि किस टॉपिक से क्या कितना मार्क्स का होगा, फर्स्ट टॉपिक रहेगी आपकी एसे राइटिंग 30 मार्क्स के लिए, सेकेंड रहेगी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसाइज राइटिंग, इसका आपको 20 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। ओवरऑल 50 मार्क्स के रहेंगे, टाइम 1 आवर का, नो निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्वालिफाई करते हो तो होता है कि आपका इंटरव्यू, तो जैसा आपने अभी देखा ये 100 मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का है, इंटरव्यू भी आपका 100 मार्क्स का होगा। अब आप सोचेंगे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, पर्सनैलिटी टाइटल एंड वाइवा वोक आपका टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। सिंपली आप जानो कि आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके तहत आपको अच्छी तैयारी रखनी होगी ताकि सिलेक्शन आपका हो सके। आपका जब इंटरव्यू निकल जाता है तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ज्वाइनिंग के बाद सैलरी क्या मिलती है, ये तो एकदम बहुत ही अच्छी मोटिवेशन होती है स्टूडेंट्स के लिए। स्टार्टिंग में सैलरी आपको मिलती है 44,900 रुपीज पर मंथ की, मतलब 40 से 45 हज़ार की सैलरी आपको पर महीने की दी जा रही है। उसके बाद हर साल आपके यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी, पर्क्स अलाउंसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो बाद में आपकी सैलरी जो हो जाती है 1,42,400 रुपीस पर मंथ की। तो बहुत ही अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को फ्रेंड्स आप मिस मत करो। मैंने जो कुछ भी आपको डिटेल बताया है आई होप आप समझ गए होंगे, और कहीं पर भी कोई चूक हो गई हो, आपको समझने में कुछ दिक्कत आए, कमेंट सेक्शन में पूछो। और इसका जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, तो उसको भी आप डाउनलोड करके जरूर देखना। अब आप सोचेंगे कि आप टेलीग्राम पे मुझे कैसे फॉलो करेंगे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम सबका लिंक कहां पे दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।